यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में यूक्रेन रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा। यूक्रेन ने इसके लिए अटैक ब्रिगेड की भर्ती पूरी कर ली है। 8 अटैक ब्रिगेड रूस पर पश्चिमी देशों से मिले अत्याधुनिक हथियारों से बहुत बड़ा हमला करेगी। रूस ने पूर्वी डोनेस के यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया कि रूस की बमबारी में 6 नागरिकों की मौत हो गई है जबकि 8 लोग घायल हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मचाई है। पूर्वी यूक्रेन की अवदिवका, बखमुत, डोनेस्क और टोरेस्क में रूसी फोर्स ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी हमले में 5 लोग घायल हुए। अवदिवका, मरिंका में रूसी हमले में कल्चरल हाउस भी तबाह हो गया। पूर्वी यूक्रेन के अवदिवका में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस के हमले का एक वीडियो सामने आया है। एंटी टैंक सिस्टम से किए गए हमले में रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को नष्ट कर दिया। रूस ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में डोनेस्क इलाके में 210 यूक्रेनी जवानों को मार गिराया गया है। यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका से मिले घातक स्मार्ट बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। इस बॉम्ब का जंग में इस्तेमाल करने से पहले यूक्रेन ने कई बार टेस्ट किया। इसमें 250 किलोग्राम से लेकर करीब 1000 किलो तक के बॉम्ब होते हैं जो भारी तबाही मचा सकते हैं। बाखमुत पर कब्जे की जंग जारी है। रूसी फोर्स की एयरबॉर्न टुकड़ी ने बाखमुत के बाहरी इलाके में यूक्रेनी बख्तरबंद गाड़ियों पर विध्वंसक अटैक किया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन को अमेरिका से मिले कई M777 होविजर तोप खाक हो गए। रूस ने होविजर तोपों से यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बौछार की। रूस ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर तोपों से किए गए हमले का वीडियो जारी किया। D20 होविजर तोप से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं और इसकी अधिकतम रेंज 17 किलोमीटर से ज्यादा है। यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड का वॉर जोन में रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया है। यूक्रेनी फोर्स ने हमले में कई रूसी टैंकों को उड़ा दिया। यूक्रेन ने इस हमले में कई रूसी जवानों को मार गिराने का दावा किया है। ज़ापोरिज़्या के रूसी कब्जे वाले मेलिटोपोल में यूक्रेन ने हमला कर रूसी फोर्स को बड़ी चुनौती दी है। हालांकि रूस ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने शहर के रिहायशी इलाकों पर हमला किया है जिसमें 5 लोग जख्मी हुए हैं।